नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને આપની સાથે હું છું પ્રીતિ. નજર કરીએ મોર્નિંગ અપડેટ પર. દક્ષિણ ગુજરાતમાં એકાદ જગ્યાએ વરસાદ પડી શકે. 1-2 ડિગ્રી તાપમાન વધારો ઘટાડો થઈ શકે. હાલ તાપમાન 19 ડિગ્રી, થોડી ઠંડીનો અનુભવ. હાલ રાજ્યમાં કોઈ વરસાદની સિસ્ટમ નથી. નવસારીમાં વરસાદ વરસ્યો. ગણદેવી બિલીમોરા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ. ગણદેવી અને બિલીમોરાના ખેડૂતોને પાકની ચિંતા વધી. ડાંગરના પાકને નુકસાનની ભીતિ. डांगना एक्सप्रेस तरीके ओळखाता दौड़वीर मुरली गाविंते गोल्ड मेडल जीत्यो. बेंगलोर में ओपन नेशनल एथलेटिक मीट 2022 में मेळव्यो गोल्ड मेडल. राष्ट्रीय स्तरे गौरव वधारता डांगवासियों में खुशी. सूरतना बारडोली में खानगी कंपनी गोडाउन में भीषण आग. 11 टेम्पो आग में बळीने खाक. शोर्ट सर्किट ने लीधे आग लागता लाखों नुकसान. पोलिस सहित 3 फायर की टीम घटनास्थले. राजकोटना गोंडल में स्क्रेपना गोडाउन में लागी भीषण आग. बोरियो पर फटाकड़ा तणकला उड़ता लागी आग. अधिकारियों सहित 3 टीम घटनास्थले. आग पर काबू मिलवायो. वलसाड़ में धरमपुर बस स्टेशन असिस्टंट लांच लेता झड़पाया. 2 दिवस की रजा मंजूर करने 200 रूपया की मांगी लांच. कंट्रेक्टरे एसीबी में फरियाद नोंधावी. एसीबी लांच लेता असिस्टंट सामे कार्यवाही करी. बनासकांठा तेनीवाड़ा अधूरिया ब्रिज नजीक अकस्मात कार पिकअप वाहन तथा एक्टिवा वच्चे सर्जायो अकस्मात. एक्टिवा कार नीचे फसावा छता चालक नो आबाद बचाव. पुलिस घटनास्थले हाजर. बनासकांठा में ढीसाना शेरगंज गामे गटर की पाइप नाखवाना काम में भेगड़ धसी. भेगड़ धसता 2 मजूर दटाया. 1 मजूर नु मौत. 1 इजाग्रस्त थयो. मजूर ने सारवार्थे होस्पिटल खसेड़ायो. वडोदरा पुलिसे तमिलनाडु चोरोनी गैंग झड़पी. मोबाइल तथा लैपटॉप की चोरी में माहिर वेल्लूर गैंग. गैंग पास से 21 मोबाइल तथा 9 लैपटॉप जब्त कर्या. पुलिसे करचिया में गैंग ने झड़पी. राजकोट में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी निवेदन. भाजप 7 वक्त बनावशे सरकार. 2/3 बहुमती थी भाजप सरकार बनावशे. सौराष्ट्र में गत वर्ष करता मळशे वधु बैठकों. યુએનના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટરેસ ગુજરાતની મુલાકાતે. વડોદરા એરપોર્ટ પર સ્વાગત કરાયું. પ્રોટોકોલ મંત્રી જગદીશ પંચાલે કર્યું સ્વાગત. વડોદરાથી કેવડિયા પહોંચ્યા ગુટરેસ. આજે કેવડિયામાં પીએમ મોદી સાથે દ્વિપક્ષીય મંત્રણા કરશે. પીએમ મોદી આજે કેવડિયાની લેશે મુલાકાત. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટરેસે રહેશે હાજર. પીએમ મોદી સરદાર પટેલને પુષ્પાંજલિ કરશે અર્પણ. લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટનો કરાવશે શુભારંભ. राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी योजो रोड शो. एरपोर्ट से रेसकोर्स मैदान सुधी प्रधानमंत्री भव्य रोड शो योजा. खुले जीप में प्रधानमंत्री मोदी लोगों अभिवादन झीलू. सीएम भूपेन्द्र पटेल जोड़ाया. प्रधानमंत्री मोदी आगमन नो शहरीजनों में जवा मिलो अनोखो उत्साह. केसरी रंग की जीप में सवार थे प्रधानमंत्री मोदी पर लोग पुष्पवर्षा कर आवकारिया. 1.5 किलोमीटर रोड की बंने बाजू जवा मिलू मानव मेरामण. પીએમ મોદીએ રાજકોટને વિવિધ વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપી. રિમોટ કંટ્રોલથી સાયન્સ મ્યુઝિયમ, લાઇટ હાઉસ, અમૂલ પ્લાન્ટ, રાજકોટ ચિતપુર 6 લેન સહિત 5000 કરોડથી વધુની ભેટ આપી. રેસકોર્સ મેદાનમાં આયોજિત સભામાં ઉમટી જનમેદની. પીએમ મોદીએ સભાને સંબોધન કરતા કહ્યું, રાજકોટ મારી પ્રથમ પાઠશાળા. પશુભાઈ વાળાએ મારા માટે સીટ ખાલી કરી હતી. આ રાજકોટના આશીર્વાદની તાકાત. राजकोट में विद्यार्थियों विश्व रिकॉर्ड रच्यो. 7500 विद्यार्थियों पीएम मोदी की छवि में रंगपुरी नोधाव्यो रिकॉर्ड. राजकोट की 100 वधु खानगी और कॉर्पोरेशन शाला विद्यार्थियों जोड़ाया. प्रधानमंत्री आगमन ने लईने राजकोट लोगों में उत्साह. एक कलाकारे पीएम की अनोखी कृति करी तैयार. 3 कलाक की मेहनत करी तरपूज पर करी कृति तैयार. कलाकारे तेनी कृति पीएम सुधी पहुंचे तेवी इच्छा व्यक्त करी. प्रधानमंत्री मोदीए जूनागढ़ गीर सोमनाथ पोरबंदर ने आपी जाजरमान भेट. 4100 करोड़ थी वधुना विकास कार्यों ने लोकार्पण शिलान्यास कर्यो. जूनागढ़ में आयोजित सभा में मोटी संख्या में लोग पीएम मोदी ने सांभळवा उमट्या. जूनागढ़ में पीएम मोदीए 4155 करोड़ विकास कार्यों की भेट आपी. जाहिर सभा में लोगों ने भीड़ उमटी. पीएम मोदीए जाहिर सभा में कोई नाम लीधा विना विपक्ष पर प्रहार कर्या. ગુજરાતના વિરોધીઓ પર વરસ્યા પીએમ. નામ લીધા વિના પીએમ મોદીએ આ પર પ્રહાર કર્યા. કહ્યું, કેટલાક લોકો ગુજરાતને અપશબ્દો કહી રહ્યા છે. ગુજરાતનું અપમાન સહન નહીં થાય. જૂઠાણો ફેલાવનારાઓને ચેતવવાની જરૂર.
पीएम मोदी लोगोंने संबोधता कहूं कि जूनागढ़ की केसर केरी की मिठास भारत में नहीं दुनिया में पहुंची। डिजिटल इंडिया ना कारण गामडा में पण भणवानुं शक्य बन्युं। 20 वर्ष में गीना सिंह की संख्या डबल थई होवानुं निवेदन आप्युं। गांधीनगर में योजाला डिफेन्स एक्सपोनु पीएमए उद्घाटन कर्युं। एशियाना सौथी मोटा संरक्षण प्रदर्शनी पीएम मोदीए मुलाकात करी। 25 वधारे देशोना रक्षामंत्रीओए डिफेन्स एक्सपो में हाजरी आपी। पीएम मोदी डिफेन्स एक्सपो में कहूं आ एक्सपो आत्मनिर्भर भारत नु श्रेष्ठ उदाहरण। आ डिफेन्स एक्सपो में मात्र भारतीय कंपनीओ देश वैज्ञानिक युवाओं सामर्थ्य पीएमए वधावी। गांधीनगर में योजाला डिफेन्स एक्सपो में पीएम मोदी डेफ स्पेस मिशन लॉन्च कर्युं। डेफ स्पेस में आपसे सुरक्षा। एक्सपो में भारत की ताकत झळहळी उठी। पीएम एक्सपो में बनासकांठा तैयार थनार एरबेस एक हाथमुहूर्त कर्युं। लाकड़ी नाड़ी में तैयार थई रह्युं छे एरबेस। 2024 में 1000 करोड़ खर्चे एरबेस तैयार थशे। पीएमए आ वक्त डिफेन्स एक्सपो ने अभूतपूर्व गणाव्यो। पहली बार 450 एमओयू साइन थयानी बात करी। आफ्रिका साथे जूना संबंध कही आफ्रिका में ट्रेन निर्माण में गुजरात की भूमिका ने पीएमए याद करी। पीएम मोदी राष्ट्रपिता गांधीजी ने याद कर कहूं कि आफ्रिका गांधीजी की कर्मभूमि थी। साथ ही अन्य राष्ट्रना लोगों ने जणाव्यु कि तमारी अपेक्षा पूरी करवा भारत कोशिश करशे। पीएमए मुख्यमंत्री ने तेमनी टीम नु अभिवादन कर्यु। ढीसा नजीक एरबेस निर्माण पर बोलिया पीएम। कहूं कि पश्चिमी विस्तार में दुस्साहस ने जवाब आपीशु। साथ विपक्ष पर पण प्रहार कर्या। गांधीनगर डिफेन्स एक्सपो में संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह रहा उपस्थित। कहूं राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा रही है अमारी प्राथमिकता। पीएम नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र साथ आर्थिक सेक्टर में देश वधी रह्यो छे आगळ। गांधीनगर अडालज में स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कार्यक्रम शुभारंभ पहला पीएम मोदी भव्य स्वागत करायु। शिक्षकों पीएम मोदी गुलाबनी पाखड़ियों थी वधावी स्वागत कर्यु। गांधीनगर अडालज में त्रिमंदिर कन्वेंशन सेंटर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नो पीएमए प्रारंभ करायो। देश सौथी मोटू शालाकीय शिक्षण मिशन। 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रोकाण कराशे। शिक्षण में परिवर्तन लावा माटेनो आ महत्वनो प्रोजेक्ट। 120 विद्यार्थी धरावती शाला मजबूत थशे। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस तरीके शालाओं माळखागत सुविधाओं थी सज्ज करी विकसित कराशे। राज्य में लगभग 20,000 जेटली शालाओं विकसावाशे। 15,000 सरकारी प्राथमिक शालाओं और 5,000 ग्रांटेड एड शालाओं समावेश कराशे। 5,567 करोड़ की किमत प्रोजेक्ट शुरू थशे। शालाओं में 1.50 लाख स्मार्ट क्लासरूम बन से। 5,000 स्टेम्प लेब थी सज्ज थशे शालाओं। आंगणवाड़ियों और बालवाटिकाओ पण स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में जोड़ाशे। देश की विविध मातृभाषा ने लईने प्रधानमंत्री मोदी नु निवेदन। अंग्रेजी ने अपाती महत्वता ने अयोग्य गणावी। कहूं अंग्रेजी मात्र संवाद नु माध्यम। अंग्रेजी भाषा ने अपाती महत्व ने कारण गामडाओं में छुपायेलू कौशल्य दबायेलू ज रह्युं। गांधीनगर त्रिमंदिर में प्रधानमंत्री मोदी दादा भगवान परिवार आत्मज्ञानी पूज्य दीपकभाई देसाई साथ मुलाकात करी। दीपकभाई देसाईए प्रधानमंत्री मोदी कर्यु भावभीनु स्वागत। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण रह्या उपस्थित। मल्लिकार्जुन खड़गे बन्या कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष। अध्यक्षपदी चूंटणी में खड़गे मिली जीत। खड़गे 7,897 वोट की करी जीत हासिल। शशि थरूर ने अंदाजे 1,000 वोट मळ्या। राधनपुर बैठक माटे अल्पेश ठाकुर ना हवातिया। लविंगजी ठाकुर ने मनावा अल्पेश ठाकुर ना प्रयास। गौरव यात्रा में अल्पेश लविंगजी देखाया एक साथ। अल्पेश ठाकुर ने मंच पर लविंगजी ने पहराव्यो हार। अगाउ लविंगजीए आयाती उम्मीदवार तरीके अल्पेश ठाकुर नो कर्यो हतो विरोध। राधनपुर बैठक पर स्थानिक की मांग साथे कर्यो हतो विरोध। बन्ने नेता एक साथ जोवा मळता अनेक तर्क वितर्क। महेसणा में पूर्व नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल निवेदन। कहूं कोई व्यक्ति के संस्था एवं नहीं जेने विकास सारा काम में नड़तर न हो। दरेक ने कोई न कोई नड़त हो। दरेक ने अड़चणों सामनो करवो पड़े। दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक। कांग्रेस उम्मीदवारों नाम नक्की करने बैठक। गुजरात में पार्टी उम्मीदवारों अंगे चर्चा। गुजरात विधानसभा की चूंटणी अंगे बैठक। साबरकांठा हिम्मतनगर में विधानसभा कांग्रेस उम्मीदवार ने लई कमठाण। जिला कांग्रेस पूर्व प्रमुख कमलेश पटेल सामे विरोध। सोशल साइट पर कांग्रेस कार्यकरों करे आक्षेप। प्रतिनिधिमंडले जगदीश ठाकुर साथ करी मुलाकात।
नवसारी में अनंत पटेल पर हुमला ना आरोपियों ने पकड़वा पुलिस असफल। अनंत पटेल ने हॉस्पिटल में रजा मिलता ज पुलिस एक्शन मोड़वा पुलिस धारासभ्य विरुद्ध गुनो नोंधा। आदिवासी समाज में भारे रोष। हुमला बाद उत्पाद अंगे बांसदाना एमएलए अनंत पटेल सहित टोला सामे त्रण फरियाद नोंधाई। अनंत पटेल पर हुमला की घटना बाद टोलाए जिला पंचायत प्रमुख भीखू आहिरी दुकान पर करी हती आगचंपी। एमएलए अनंत पटेल समर्थकों पुलिस वाहन और फायर फाइटर ने पहुंचाड़ू नुकसान। खूंद गामना सरपंच पीएसआई एसएस माल बनिया फरियादी। एमएलए अनंत पटेल कांग्रेस डेलिगेट और एआईसीसी सभ्य सामे नोंधाई फरियाद। गीर सोमनाथ तालालाम में होद्देदारों और आगेवानों की हाजरी में भाजपा की सभा आयोजन। भाजपा तरफ से तालाला विधानसभा की टिकट स्थानिक उम्मीदवार ने मिले तेवी लोकोनी मांग। गुजरात विधानसभा चूंटणी ने लईने वहीवटी तंत्र एक्शन में। राज्य चूंटणी पंचना अधिकारियों की वडोदरा में मिली बैठक। बैठक में मध्य गुजरात कलेक्टरों और पुलिस वड़ाओ रहा हाजर। आचार संहिता अमलीकरण बाबते बैठक में सूचनों कराया। वडोदरा मांजरपुर में भाजपा नगरसेवक सामे पुलिस फरियाद नोंधाई। परवानगी वगर जाहिर में डायरो योजना मामले पुलिस करी कार्यवाही। जाहिरनामा भंग बदल भाजप काउंसिलर कल्पेश पटेल सामे कार्यवाही थी। धर्मगुरुओं की हाजरी में पुलिस डायरो बंद करावता थयो हतो विवाद। डायरो बंद करावनार पीआई देसाई की 24 कलाक में ज बदली कराई। पुलिस डायरा में पहुंची कार्यक्रम बंद करावयो हतो। मंत्री ब्रिजेश मिर्जा प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में पहुंचवा सामान्य कार्यकर्ता की जेम बस में सवार थया। मोरबी थी कार्यक्रमों साथ बस में सवार थे कार्यक्रम स्थले पहुंचा। कार्यक्रम में जोवा मळ्यो उत्साह। गीर सोमनाथ कोड़ीनार में दिल्ली डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया रेली योजी। आपनी रेली में मानव मेरामण उमटू। कोड़ीनार बायपास थी आपना कार्यालय सुधी रेली योजाई। गुजरात में कोरोना नवो वेरियंट नोधाय। ओमिक्रॉन नवा बीएफ 0.7 वेरियंट केस नोधायो। समग्र देश में प्रथम केस अमदावाद में नोधायो। धकतेज 60 वर्षीय वृद्धा पॉजिटिव। 15 जुलाई वृद्धा सैम्पल लेवायो। पॉजिटिव दर्द की तबियत हाल स्थिर। संपर्क में आवेलाओं ने पण सैम्पल लेवाया। यूएस यूके बाद भारत में कोरोना नवा वेरियंट की एंट्री। महसाणा में दूधसागर डेरी पशुपालकों ने दिवाळी की भेट। दूध ना खरीद भाव में 10 रूपयानो वधारो। 21 ऑगस्ट की खरीद भाव में वधारो। अबली 730 ना बदले हवे 740 रूपया चूकवाशे। 25 ऑक्टोबर सूर्यग्रहण ने लेने पावागढ़ मंदिर रहे बंद। 24 तारीखे मध्यरात्रि से 25 तारीख सांजे 6:45 सुधी बंद रहे मंदिर। श्री कालिका माताजी मंदिर ट्रस्ट नो निर्णय। 26 तारीख थी नित्यक्रम मुजब खुलशे मंदिर। राजकोट जेतपुर में 2 दिवस पानी की सप्लाय बंद रहे। जेतपुर नगरपालिका की मेन पानी लाइन में मेंटेनेंस ना कारण 2 दिवस पानी काप रखायो। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिवस पानी नहीं मळे। अमदावाद एसजी हाईवे पर वधी रहेला अकस्मात ने लेने पुलिस सतर्क। ब्रिज पर स्पीड लिमिट ना अपूरता साइनबोर्ड मनाई रही है। अकस्मात पाछळनुं कारण मोटा भागना अकस्मात वधु स्पीड ना कारणे थता होवानुं सामे आव्युं। पुलिसे चालू वर्ष 7 मस में 1.74 लाख की करी वसूलात। 49,000 चालकों ने 8.90 करोड़ की वधुनो दंड फटकारायो। जान्युआरी थी जुलाई सुधी में अकस्मात में 265 ना मौत। एसपी रिंग रोड पर 126 और एसजी हाईवे पर 124 लोगों ना मौत। अमदावाद पारडी में अंश पेट्रोल पंप पर बबाल। डिजिटल पेमेंट न थता रोकड़ पेमेंट करने कहता ग्राहक आवेश में आ गयो। स्टाफ साथ बबाल करता पारडी पुलिस स्टेशन में गुनो नोंधायो। अरवली मालपुर में वात्रक जमणा कांठा की केनाल में भंगाण। केनाल में जंगल कटिंग और समरकाम अभाव भंगाण। समरकाम की कामगिरी मात्र कागल पर। केनाल में भंगाण थता खेडूतों पाक ने नुकसान। महिसागर जिला की लुणावाड़ा नगरपालिका में कर्मचारियों की हड़ताल ने लेने लोगों ने भारी हालाकी। पालिका की जाहिर सेवाओं छेल्ला 3 दिवस बंद। लाइट पानी सफाई काम केटलाक विस्तारों में अटवाई जता तहेवारों समय लोग परेशान। केटलाक विस्तारों में प्राथमिक सुविधाओं पूरी पड़ाता अन्य विस्तार लोग रोषे भराया। नगरपालिका ओरमायू वर्तन करती हो स्थानिकों लगाव्य आरोप। हड़ताल तात्कालिक निवारण ला स्थानिकों सुधी प्राथमिक सुविधा पहुंचाड़ मांग। भावनगर फूलसर विस्तार में 142 सोसायटी में पानी न आता लोग रोषे भराया। 2.25 करोड़ खर्चे बनी रहे ओवरहेड टांकी काम गोकल गति चलता स्थानिकों में रोष। अनेक विस्तारों में जोवा मळतो टैंकर राज। अमरेली जाफराबाद में खानगी कंपनी सामे कॉन्ट्राक्टरों धरना। खानगी कंपनी में कॉन्ट्राक्टरों की 4 वर्ष की बाकी अंदाजे 30 करोड़ जेटली रकम न चुकवता कर्या धरना। 1.5 वर्ष पहला आंदोलन कर चुकेला कॉन्ट्राक्टरों फरी धरना पर बैठा।
सुरेन्द्रनगर धांगध्रा में रखड़ता ढोर थी बे बाळकीओ इजाग्रस्त। आखलावनी की लड़ाई में बाळकीओ गंभीर रीते घायल। रखड़ता ढोर ने कारण स्थानिकों में रोष। ढोर ने पांचड़ी पूरवा स्थानिकों की मांग। अरवली में विजिलेंस धामा जोवा मळ्या। मोडासा ग्राम्य पंथक में गांधीनगर विजिलेंस सर्च ऑपरेशन। जीवनपुर बामणवाड़ सहित ग्राम्य विस्तारों में मोटा प्रमाण में वीज चोरी थता तपास हाथ धराई। अरवली में त्योहारों पूर्वे फूड एंड ड्रग्स विभाग हरकत में। रामभाई मापवाड़ा की पेढ़ी पर फूड एंड ड्रग्स विभाग की तपास। खाद्य नमूना निकलते तो कराशे कार्यवाही। फूड एंड ड्रग्स विभाग चेकिंग ने लेने दुकानदारों में फफड़ाट। साबरकांठा में दिवाली त्यौहार ने लेने फूड एंड ड्रग्स विभाग सतर्क। मिठाई फरसाण सहित खाद्य चीजों एकत्र नमूना लेवाया। खाद्य चीजों में भेड़सेल है कि नहीं तपास अर्थे रिपोर्ट मोकलाया। एसटी में मुसाफरी करता लोगों राहत ना समाचार। दिवाली पहला वाहन व्यवहार विभागे लोगों ने आपी मोटी भेट। BS6 मॉडल की 91 नवी बसों लोगों माटे दौड़ावाई। गांधीनगर एसटी डेपो थी करायू लोकार्पण। दिवाली त्यौहार नजीक है तेरे परिवहन विभाग द्वारा फाड़वामां आवी वधारानी बसों। यात्रीओ ने अगवड़ता न पड़े ते माटे राज्य में दौड़ावामां आवशे वधारानी बस। अमदावाद पुलिस से फटाकड़ा विक्रेता व्यापारियों साथ करी बैठक। लाइसेंस होल्डर व्यापारी रहा हाजर। केटलीक शरतों पालन करवा पुलिस व्यापारियों ने आपी सूचना। लोगों की सलामती जलवाय ते उद्देश्य थी आपी जरूरी माहिती। मोरबी मार्केटिंग यार्ड में दिवाली वेकेशन जाहिर। मोरबी खेतीवाड़ी उत्पन्न बजार समिति निर्णय। अनाज विभाग में 24-30 नवम्बर सुधी रजा। आगामी 22 नवम्बरे सवाना 8 वगे सुधी ज खेडों माल उतरशे। दिवाली नजीक आता मोरबी सीजनल व्यापारियों हाल बेहाल। बजार में भाव वधारो बंदरूपी जोवा मळ्यो काळ। फटाकड़ा भाव में वर्षे 50% नो वधारो। भाव वधारा ने लेने ग्राहकों की अछत। राजकोट जेतपुर में एक बाजु दिवाली की तैयारी माहौल। बीजी बाजु साड़ी कारखाना में मंदी माहौल। दिवाली त्यौहारों में साड़ी व्यापारी ने सारा व्यापार की आशा। डांगनू गिरिमथक सापुतारा दिवाली त्यौहारों ने लेने रंगबेरंगी लाइटिंग की जगमगी उठ्यो। सापुतारा ने दुल्हन की जेम शणगारायू। तलाव थी लेने टेबल और सनराइज पॉइंट ने पण रोशनी थी शणगाराया। दिवाली पर्व की उजास फैलावा अष्टमंगल महादेव चेरिटेबल ट्रस्ट प्रयास। जरूरियातमंद परिवार अन्नदान योजना 2022 शुभारंभ। ₹10 लाख खर्चे 750 अन्न किट कराई तैयार। ब्रेक बाद फरी आपनो स्वागत छे। वधु नजर करिए मॉर्निंग 100 पर। जामनगरना भूमाफिया जयेश पटेल की मिलकत टांच में लेवाई। लालपुर रोड पर 10 प्रॉपर्टी टांच में लेवाई। कुछ कराई कार्यवाही। अमदावाद में पुलिस ने मूर्तिबंध कॉम्प्लेक्स में रेड। राज कवर हाउस और रशियन कवर हाउस नाम दुकान में रेड कर डुप्लीकेट एसेसरीज मुद्देमाल कब्जे करने तजवीज हाथ धराई। जोन 3 डीसीपी स्क्वॉड और कालुपुर पुलिस ने रेड। वलसाड धरमपुर में एसटी डेपो पर एसीबी की रेड। असिस्टंट ट्राफिक इंस्पेक्टर 200 रूपया लांच लेता झड़पाया। एसीबी रमेश रावत ने रजा मंजूर करता बदल फरियादी कंडक्टर पास से लांच लेता झड़पाया। अमदावाद कोट गाम नजीक फिल्मी स्टाइल में लूटनो बनाव बनो। अमरेली थी सूरत जती लक्जरी बस ने आंतरी 15 लोग लूंट मचाई। बस में लाखों दागीना हीरा जेवरात की लूंट कराई। पुलिस उच्च अधिकारी दौड़ता थया। पुलिस गणतरी मिनिटों में लूंट में संकड़ायेला 12 जेटला आरोपी की धरपकड़ करी। उच्च अधिकारियों ने सुपरविजन में ऑपरेशन हाथ धरायू। मोड़े रात्रे बनाव बनो। अरवली मोडासा ग्राम्य पंथक में विजिलेंस दरोड़ा। जीवनपुर बामणवाड सहित विस्तारों में वीज चोरी अटकाववा मेगा सर्च हाथ धरायू। गैरकायदे वीज कनेक्शन धरावता ग्राहकों घरे करवामां आवी तपास। विजिलेंस दरोड़ा थी वीज चोरी करता लोगों में फफड़ाट। द्वारका खंभाळिया में जमीन विवाद में फायरिंग। खंभाळिया तालुका भाड़थर गाम पास फायरिंग। स्टेट हाईवे पर बे जूथ पछी अथड़ामण। अथड़ामण में 4 राउंड फायरिंग। बे अलग अलग समाज वच्चे फायरिंग। जमीन विवाद बाबते खेलायो खूनी खेल। फायरिंग में 4 लोग घायल। इजाग्रस्तों ने सारे अर्थे होस्पिटल खसेड़ाया। एक की हालत गंभीर। सूरत डिंडोली विस्तार में सगा काकाए 17 वर्षीय भत्रीजी ने करी छेड़ती। सगीरा साथ अड़पला करता काका ने काकी और माताए पकड़ियो। सगीरा पिताए पुलिस में फरियाद नोधावी। पुलिस आरोपी ने करी धरपकड़। सूरत में 8 वर्षीय बाळकी साथ छेड़ती प्रयास। 61 वर्षीय वृद्ध सामे नोधाई फरियाद। एकलता लाभ लई बाळकी ने छेड़ती करियो प्रयास। बाळकीए भागी जईने परिवार ने करी जाण। पुलिस आरोपी की धरपकड़ करी।
अमदावाद नवरंगपुरा में स्कूल बार ड्राइवरे 3 वर्षनी बाळकी साथे अड़पला कर्या। बाळकी ने बीभत्स वीडियो देखाड़ी ड्राइवरे कर्या अड़पला। पुलिस पॉक्सो हेठळ गुनो दाखल कर ड्राइवरी धरपकड करी। अरवली वागबल्ला में 11 खेतर में 2,27,00,000 गांजा जत्थो करायो जप्त। तुवेर कपास की पाक की आड़ में गांजा थत वावेतर। पुलिस 9 आरोपी सामे गुनो नोंध्यो। 2 आरोपी की धरपकड़। 7 आरोपी फरार। भावनगर में 145 लीला गांजा छोड़ जप्त कर। 7,48,330 रूपया मुद्दा माल जप्त करायो। एसओजी टीम खड़सलिया गा की कपास की पाक की आड़ में गांजा वावेतर झड़पू। पुलिस 2 आरोपी की धरपकड़ कर। सांथलपुर राणीसर में माथाभारी व्यक्ति की दादागिरी। श्रमिक माथा पर धारिया करो हमलो। श्रमिक ने माथा में 16 टाँका आया। सस्ता अनाज की दुकान पर अनाज लेवा बाबते थोड़ा झगड़ो। राजकोट उपलेटा में मारामारी दृश्य सामने आया। सलीम हिंगोरा नामना युवक पर करो 3 लोगों हमलो। मुख्य सूत्रधार नारेशा नामचीन होवानु सामने आव्युं। मकान कब्जा मामले हमलो। अरवली मेघरज में एसटी बस में चढ़ता समय विद्यार्थी पग पर टायर फरी वळ्यु। इजाग्रस्त विद्यार्थी ने सारवार माटे होस्पिटल खसेड़ायो। समग्र घटना अंगे ड्राइवर की बेदरकारी सामे सवाल उठा। जूनागढ़ वन विभाग में फरज बजावता गार्ड पर आरएफओ कर्यो हुमलो। अंगत बाबत लीधे उश्केरा आरएफओ डीसीएफ ने रिपोर्ट करता इजाग्रस्त वनकर्मी ने कर्यो सस्पेंड। वनकर्मी आरएफओ विरुद्ध फरियाद नोंधाता पुलिस तपास हाथ धरी। पाटण में हारिदना खाखल गामे थयेली युवक की हत्या भेद उकेलायो। प्रेम प्रकरण मामले पति पत्नी युवक की हत्या करी। एफएसएल की मदद की पुलिस उकेलियो भेद। पति पत्नी की धरपकड़। आरोपी युवक ने घरे बुलावी दुप्पटा वड़े टूंपो आपीने मौत ने घाट उतार्यो। बनासकांठा में पालनपुर की धनियाणा चौकी नजीक झाड़ पर लटकत आधेड़ मृतदेह मळ्यो। तालुका पुलिस मृतदेह कब्जे ली तपास हाथ धरी। आत्महत्या पाछळ कारण अकबर। बनासकांठा में भाभर बरवाड़ा हत्या केस में 3 आरोपी ने आजीवन कैद की सजा साथ 18,000 दंड पर फटकारायो। 2 वर्ष अगाउ एक युवान की थई हती हत्या। अमदावाद में चांदखेड़ा विस्तार शिवशक्तिनगर में जुगारधाम पर पीसीबी दरोड़ो। 8-9 आरोपी की धरपकड़। आरोपी इलेक्ट्रिक डिवाइस मोबाइल साथ कनेक्ट कर पत्ता की कैट स्केन कर एलबर्ट की अनोखी रीते गेम रमता। अमदावाद में त्यौहारों नजीक आता बाजारों में खरीदी माटे लोगों ने भीड़। तस्करों पर भीड़ नो लाभ लेवा थया सक्रिय। अमदावाद पुलिस से लोगों ने अलर्ट रहेवा करी अपील। पुलिस खुद चोर बनी लोगों ने बतावी रही है डेमो। रात्र शहर रस्ता पर पुलिस नो बंदोबस्त। चोरी ना बनाव न बने ते माटे जोन 7 डीसीपी द्वारा खास एक्शन प्लान तैयार कराओ। दरेक पुलिस स्टेशन में 5 टीमों बनावाई। डी स्टाफ हॉक स्क्वाड और पीसीआर वाहनथी पुलिस नो सघन चेकिंग। खेड़ा टोल प्लाजा नजीक बनी हिट एंड रन की घटना। अजाण्या वाहन की टक्कर दंपति नु मौत। वाहन चालक अकस्मात करी फरार। पुलिस अजाण्या वाहन चालक की तपास हाथ धरी। बनासकांठा में दातीवाड़ा पांथवाड़ा में गुंदरी हाईवे पर ट्रक में आग लगी। फायर फाइटर आग पर काबू मेलव्यो। मोरबी थी टाइल्स भरी ने गुड़गाम जई रह्यो हतो ट्रक। डांगना सापुतारा में सर्प गंगा तलाव में कार खाबकी। कार चालके स्टीयरिंग पर काबू गुमावता कार रेलिंग तोड़ी तलाव में खाबकी। कार चालक नो थयो आभात पछाप। बोटाद साळंगपुर में किंग ऑफ साळंगपुर हनुमानजी की भव्य मूर्ति मुख आवी पहुंच्यू। 54 फूट की विशाल मूर्ति मुख नु करायो भव्य स्वागत। मंदिर संतो करी विशेष पूजा अर्चना। पंचमहाल में घोगंबा जितपुरा गामे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक जवाबदारी निभावी। प्राथमिक शाला ने आधुनिक बनावा स्मार्ट क्लास कम्प्यूटर लैब में रिनोवेशन करायो। एसबीआई डेप्यूटी जनरल मैनेजरे कर लोकार्पण। कच्छी कोयल गीता रबारी विदेश में जमावी रास की रमझट। अमेरिका न्यूजर्सी एटलांटा कोलंबस में वसता भारतीय गीता रबारी सूर्य गर्भे जुम्या। पोस्ट नवरात्रि प्रोग्राम में विविध जगह योजना 8 कार्यक्रमों। दिवाली त्यौहार ने लेने जेतपुर रोशनी थी जलहली उठ्यू। बजार में लोगों की भीड़ उमटी। व्यापारियों में खुशी माहौल। कोरोना काल ना 2 वर्ष बाद आ वक्त मार्केट में व्यापार में तेजी आवानी शक्यता। हिमाचल प्रदेश में टिकट की वहेंचनी ने लेने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केन्द्रीय चूंटनी समिति की बैठक योजाई। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में उपस्थित रहा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों की याद जाहिर। भाजपे 62 उम्मीदवारों की याद जाहिर कर 11 एमएलए की बैठकों बदलाई। 1 कैबिनेट मंत्री समावेश।
राज्य में अनुसूचित जनजाति माटे त्रण बैठक आरक्षित 62 पैकी 5 टिकट महिला उम्मीदवारों ने अपाई 62 पैकी 2 तृतीयांश उम्मीदवार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 12 नवंबर हिमाचल प्रदेश में थशे मतदान। तो मॉर्निंग अपडेट में अत्यारे फक्त आटलू ज। अन्य समाचारों माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।